नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आपका दोस्त राजवीर और स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों आज मैं एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा जो कि फीमेल स्टरलाइजेशन महिला नसबंदी का है। वीडियो देख के आपको काफी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको कैंप के अंदर ले जाने वाला हूं और कैंप में जब आप जाएंगे तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा। इस वीडियो को हम दो बार देखेंगे, ठीक है? दो बार क्यों देखेंगे इसका कारण मैं बता देता हूं। दोस्तों पहले तो मैं जो वीडियो दिखाऊंगा शुरू से आखिर तक, उस वीडियो में मेरी आवाज भी दूंगा, यानी कि मैं आपको बताता रहूंगा कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है और अब क्या हो रहा है। तो पहला तो पार्ट होगा पूरा, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उस वीडियो को हम दोबारा देखेंगे शुरू से एंड तक। वो वीडियो अनकट रहेगी, कोई एडिटिंग नहीं रहेगी, किसी की भी आवाज उस वीडियो में नहीं रहेगी, प्योर आवाज कैंप की रहेगी, बिल्कुल क्लाइंट की आवाज रहेगी, डॉक्टर की रहेगी, वहां जो नर्सेज वगैरह घूम रही है उनकी आवाज रहेगी। उससे आपको ये पता लगेगा कि जो नसबंदी का प्रोसेस है वो कितना लंबा है, ठीक है? उसमें डॉक्टर जब महिला को, जिसकी नसबंदी कर रहा है उसको, जब प्रोसेस उसके ऊपर कर रहा है तो उसको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा। सीधी सी बात है, अगर दर्द होगा तो वो चिल्लाएगी। तो कितनी देर का प्रोसेस है, उसको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो किस तरह वह उठ के वहां से जाती है, तो वो वीडियो को हम दोबारा इसीलिए देखेंगे। किसी की आवाज नहीं रहेगी, क्लाइंट का पूरा जो ओटी, थिएटर की जो ओटी है वहीं की पूरी ओरिजिनल आवाज रहेगी, अनकट वो वीडियो रहेगा, उसमें कोई कटिंग नहीं होगी, कोई एडिटिंग नहीं होगी। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन लगाएंगे अभी क्लाइंट के नाभि के पास। दरअसल ये इंजेक्शन लगाने के बाद ये पर्टिकुलर जो एरिया है, नाभि का एरिया जहां इंजेक्शन लग रहा है, ये हाथों हाथ सुन्न हो जाएगा। यहां पर कुछ भी प्रोसेस किया जाएगा क्लाइंट को पता नहीं लगेगा। एक इंजेक्शन ऑलरेडी लग चुका है क्लाइंट को, जो क्लाइंट को सेडेशन देता है, नशा देता है। दूसरा इंजेक्शन ये नाभि के पास लगा दिया है। अब ये सिजीरियन ब्लेड है जो क्लाइंट के पेट के ऊपर रखी हुई है, सिजीरियन ब्लेड है, यहां पर सफाई करके अच्छे से, और यहां पर चूंकि इंजेक्शन लग के सुन्न हो चुका है, सिजीरियन ब्लेड से छोटा सा कट लगाया जाता है। यहां ये देखिए बिल्कुल छोटा सा कट यहां लग चुका है। क्लाइंट को बिल्कुल बात करते रहते हैं, उससे कम्युनिकेट करते रहते हैं। अब देखिए ये नली के द्वारा एक बारीक होल किया जाएगा और होल करके, और इस नली के द्वारा CO2 गैस पेट के अंदर भरी जाएगी। उससे होता क्या है, जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ऊपर की चमड़ी और नीचे के जो ऑर्गन्स हैं उनमें पूरा मार्जिन हो जाता है ताकि ट्रोकार अंदर जाए तो कोई दिक्कत ना हो। CO2 गैस फ्रेंडली गैस होती है, ह्यूमन फ्रेंडली, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये औजार है ट्रोकार, जिसके द्वारा अब यहाँ पर होल किया गया, ये होल कर दिया। ट्रोकार में से जो है निडिल वो निकाल ली, ट्रोकार अंदर है, इसके अंदर लेप्रोस्कोप अंदर डाला जाता है। ये देखो लेप्रो अंदर डल चुका है, और अब देखिए डॉक्टर साहब इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उनकी कर देंगे। लेप्रो अंदर गया हुआ है, अंदर लाइट है, लेप्रो के अगले भाग में पूरा व्यू दिख रहा है, दूरबीन से देख रहे हैं अंदर, और पीछे से कमांड देंगे। एक बार एक फैलोपियन ट्यूब को बंद कर देंगे, ये बंद कर दी, ये बंद कर दी, अब दूसरी फैलोपियन ट्यूब को कमांड देके बंद कर देंगे। अभी देखना डॉक्टर साहब दूसरी ट्यूब को भी, ये ट्यूब को पकड़ा और ये कमांड दी ऊपर से, और वो ट्यूब भी ब्लॉक हो चुकी है, ये लेप्रोस्कोप निकाल लिया। केवल इतना ही टाइम लगता है। आप देखिए इसका स्विच दबा के अंदर की पूरी गैस खाली कर देते हैं, जो CO2 गैस अंदर भरी थी वो पूरी खाली कर दी स्विच दबा के, और अब ट्रोकार निकाल लिया है। ट्रोकार निकालने के बाद में जो कट सीट है उसको हटा दिया जाएगा, और जो नर्स है, जो बहन जी है, वो वहाँ पर जाके और एक स्टिच, ओनली एक स्टिचेज वहाँ लगा देगी। तो देखिए इतना छोटा सा एक प्रोसेस होता है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, आप देख रहे हैं नीचे से। आप बार बार बोल रहे हैं मैं उस हिस्से को ब्लर कर देता हूँ, आज मैंने ब्लर नहीं किया, आप क्लियर देख लीजिए, कोई ब्लीडिंग होती दिख रही है, कुछ नहीं हो रहा। और अब एक स्टिचेज वहाँ लगा दिया जाएगा, बस इतना सा प्रोसेस है। 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम लगता है एक प्रोसेस में, इतना सा प्रोसेस है। क्लाइंट पूरा होश में है, अभी इसको बाकायदा यहाँ से उठाएंगे और साइड में लेके जाएंगे आराम करने के लिए। देखिए कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। अब इसके ऊपर ये छोटा सा एक जो पट्टी कर दी गई है, और अब इसको टेप कर दिया गया पट्टी को,
टेप करने के बाद में अब क्लाइंट बिल्कुल कॉन्शियस के अंदर है, क्लाइंट को बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। आप देखिए क्लाइंट बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया, डॉक्टर ने पूरा प्रोसेस कर दिया, क्लाइंट नहीं चिल्लाया। अब क्लाइंट आप ये कहेंगे कि बेहोश इसलिए नहीं चिल्लाया, बिल्कुल बेहोश नहीं है, अब इसको खड़ा करेंगे देखना, और ये बिल्कुल कॉन्शियस है, होश में है। ये देखिए क्लाइंट को खड़ा किया, वो खड़ा हुआ क्लाइंट और बिल्कुल होश में जा रहा है साइड में, सडेशन जरूर दे रखा है, नशा जरूर दे रखा है। तो देखिए दोस्तों अब इसको आराम करने के लिए साइड में लिटा देंगे। कितना छोटा सा दोस्तों ये प्रोसेस है, और बिल्कुल क्लाइंट ने कोई दर्द नहीं किया, क्लाइंट के कुछ दिक्कत नहीं हुई। अब हम इस प्रोसेस को दोबारा देखने वाले हैं, ये वीडियो रहेगी अनकट, बिल्कुल साइलेंट रहेगी। अब आप गौर कीजिए क्या क्लाइंट चिल्लाया, चीखा कि नहीं चीखा। तो दोबारा हम इस वीडियो को चलाते हैं, तो देखिए दोबारा। आपको नीचे दे तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देखा दोबारा से, और उसके बीच में मैं बोला नहीं। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि नसबंदी में कितना टाइम लगता है,
क्लाइंट होश में रहता है कि नहीं रहता, उसको दर्द होता है कि नहीं होता, और बाद में ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग होती है कि नहीं होती, कितने स्टिचेस वगैरह लगते हैं। अब आप पूरा वीडियो देख चुके हैं, आपके कोई सवाल कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल या डाउट्स रहे हैं कमेंट कर सकते हैं, जो मैं लाइव आता हूं तो मुझे सवाल जवाब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंचे। दोस्तों मैं मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाजत। जय हिंद।